माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं जो कि नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के बाद आप देख भी सकते हैं हाथ बाकायदा झाड़ते रहे हैं, हाथ मलते रहे हैं, हाथ साफ करते हैं। देश का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं और अंग्रेजों की अंग्रेजी की भी। जरा सुनिए मोदी का अंग्रेजी ज्ञान। Minister Narendra Modi's part to have prepared tea for US President Barack Obama when he was on a visit to India. President Maitripala Sirisena and MRS Sirisena to India. मैं बोला ये क्या? तो मालूम हुआ वो MRS नहीं था, मिसिस था। Barack Obama, say few words. करनी है हिंदुस्तान में और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलार एनर्जी, वीड एनर्जी, वीड एनर्जी, वीड एनर्जी, वीड एनर्जी, उन्होंने उसके बाद शिक्षा का
यहाँ बोलते पैकेज दिया, पैकेज दिया। क्या बोले थे? हाई बनो, हाई बनो, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है, 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। 70 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला, किसान 29,000 लालू का है। मैंने क्या भाई 2900 रुपया दे ना रे भाई निकाल। अरे 15-15 लाख जमा करेंगे, बटन दबता था वहां से फोन में, अच्छे जी 15-15 लाख, लड़का लड़की, मम्मी पापा जी 15-15 लाख। वैष्णो देवी माँ के मंदिर तक जाने के लिए नेशनल प्रोजेक्ट में रेल हम बनाया, मनमोहन सिंह बनाए, वो जाकर झंडी हिला दी। बस गार्ड बन के झंडी हिला रहे, भैया बनो बिजली मिली, मिली मिली, कौन बोलेगा बिजली नहीं मिली? अब वही में गा रहा इतना, इसलिए एक पैसा नहीं मिला है। जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा है? ये हवाबाजी हो क्या? बात है भाई, हेप्टोनाइज करके राज देश की जनता को बना के हाँ मिला, हाँ अब हो जाएगा, करते करते कितना। अब आप लोग दुकानदार भाई हो, लोग जनता की दाल महंगा आप बेचवा रहे हो, बोला सीना हमारा 34-36 आंख में आंख 56 इंची आंख में आग डाल के नहीं बात करेगा। अरे भाग के गए थे अभी दुबई, उसमें बात है 200, टाइम पर ही सब आप खुलेगा। रेस्पेक्ट है आप वाजपेयी जी के प्रति, बीमार हैं बेचारे, नहीं कुछ बोलना चाहिए। कि उस समय भी विजय पाले बोलते थे कि इस बार 8 पार कर लेगा, अपने पार हो गया। अरे कहाँ की बात करते हो मोदी जी, डरपोक लोग। मैंने कहा कि 2007 के चुनाव में सोनिया गांधी ने आप पर एक इल्ज़ाम लगाया मौत का सौदागर, और उन्होंने 2002 की एक तरह से याद दिलाई, किस तरह से आप देखते हैं जब कांग्रेस ये आप पर कहता है, इस बार नहीं कह रहा लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी आपको इस तरह की एक तरह से क्रिटिसिज्म होती है आपकी या टारगेटिंग होती है, किस तरह से आप देखते हैं? मैं राजदीप सरकार को शुभकामनाएं देता हूं कि वो पिछले 10 साल से इस मुद्दे के भरोसे जी रहे हैं, इसी मुद्दे के भरोसे, सुनना पड़ेगा भाई जी, बिल्कुल इसी मुद्दे के भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती है जी। और मैंने सुना था कि मोदी को गाली देने वालों को राज्यसभा की सीट मिलती है, मोदी को गाली देने वालों को पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण मिलता है। तो मेरी राजदीप सरदेसाई को शुभकामना है कि आप अपना ये अभियान जारी रखिए, और आप भी ऐसे मित्रों की मदद से राज्यसभा में पहुंच जाइए, आप भी ऐसे मित्रों की मदद से पद्मश्री पद्म भूषण कुछ प्राप्त कीजिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि कहाँ, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये एक तरह से 2002 आपको अगले स्टेप, अगले पड़ाव तक जाने के लिए एक तरह से रोकता है? क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अगर बिहार आए
तो मैं नरेंद्र मोदी बिहार नहीं आ सकते। कहीं ना कहीं 2002 एक तरह से आपकी जो राजनीतिक करियर में अभी तक एक रुकावट है या नहीं? राजदीप सरदेसाई, आपके पास आपकी चैनल है, 24 घंटा चैनल है, आप घंटों तक डिबेट चलाइए, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। नहीं, आप बिहार जाएंगे? सिटी में भी हम देखते हैं आपके फोटोज होते हैं, आपके स्टैचूज होते हैं। नरेंद्र मोदी एक तरह से लार्जर देन लाइफ बन गए हैं, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। एक तरह से हर तरफ हम देखते हैं नरेंद्र मोदी, एक गुजरात में जहां जाओ आपके पोस्टर लगे हुए थे। यही वजह है कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी इमेज बढ़ा रहे हैं, अपनी प्रोफाइल बढ़ा रहे हैं, जो पुराने नेता हैं वो किनारे नेता जो आप छोड़ कर गए, केशु भाई वगैरह, क्या कहना चाहेंगे आज उनको? कुछ कहना चाहेंगे या वो एक पुराना फॉरगॉटन चैप्टर है? एक आखिरी सवाल नरेंद्र भाई, मैं जानता हूं आपको ये सवाल पसंद नहीं आता, लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कहीं ना कहीं 2002 दंगों के लिए अपोलोजाइज करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है इस तरह की जो कहते हैं वो सही है? क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद भैया, काफी विस्तार से आपको आज इंटरव्यू दिया। आप उस सवाल का नहीं देंगे, क्योंकि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आप उस सवाल का नहीं जवाब देना चाहेंगे आज इस समय? सर, वो जो छोटा सवाल था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो 2002 दंगों के लिए क्षमा दे दे और फिर आगे निकले और बड़ा बने। नरेंद्र भाई, आपने सभी सवालों का हमसे जवाब दिया, विस्तार में जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। एक प्रश्न बीबीसी की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर कैमरन, आप हिंदुस्तान तीन बार आए हो, आपको प्रधानमंत्री जी इंडिया। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कैमरन, कैन आई आस्क यू हाउ कंफर्टेबल डू यू फील वेलकमिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी गिवन दैट फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ कैसा लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पे स्वागत करने का, क्योंकि कुछ साल पहले तक वो यहाँ पे नहीं आ सकते थे। और दूसरी बात ये है कि And what do you say to Martin Schulz, who says that Europe is very happy to spend billions of pounds on bankers helping them? Schulz said that UK is very happy if it can help bankers, but not migrants. And I would like to ask you, in the next 2 years, will Modi have a referendum on whether to remain in or leave the European Union? Will there be a referendum on whether to remain in or leave the European Union? Will there be a referendum on whether to remain in or leave the European Union? And also, Prime Minister Modi, can I ask you tomorrow night, you will obviously be in the European Union. And tomorrow, Modi ji, you will have a big reception होगा वेम्बली में, पर आज इस बिल्डिंग के सामने काफी सारे प्रोटेस्टर्स हैं और वो कह रहे हैं कि आपके वो कह रहे हैं कि जो आपका रिकॉर्ड रहा है गुजरात के चीफ मिनिस्टर। Why don't you give one assurance that during there will be an election campaign, for example in Uttar Pradesh, you will not use the incidents of Tuesday to stir a communal divide, to label every Muslim in this country somewhere down the line as an Islamic terrorist? Are you willing to give that assurance? It's a tragic condition in my Indian media that such a challenge to the humanity, and you are talking about the footpath politics. What we are doing? Okay, when the people are talking about the challenge to the humanity, and we are talking about Uttar Pradesh and this country and that country. I am asking you, will you use it? What footpath politics they are going to do? This is the challenge against the humanity. And we'll have to face this challenge. Are you going to use it? Talk about the humanity. आपको ये समझना होगा कि मुसलमानों ने बनाई से मुसलमान दर्दों ने इस्लाम
आपको ये समझना होगा कि मुसलमानों ने, व्हेन आई से मुसलमान इंटरनेशनल इस्लाम, उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है। उन्होंने दुनिया को तीन हिस्सों में बांटा है, एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। दारुल अमन का मतलब है लैंड ऑफ पीस, जहां पर इस्लाम पहुंच चुका है वहां लैंड ऑफ पीस होना चाहिए, अथवा जहां इस्लाम कुछ करने की ताकत नहीं रखता है वहां पर दारुल अमन होना चाहिए। देन दारुल हरब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर ताकत है वहां संघर्ष करो, अपना झंडा जमाओ। ओके, तीसरा है दारुल इस्लाम, पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना। ऐसे इरादों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, those who are belong to the Islam, he must they are doing this activity. Okay. Unless and you and if we do not understand these people, we can't understand. Quickly respond.